चलिए, तो ये रहेगा। अभी तक हमने 64 ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं। जिन लोगों ने 64 ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग के जो थे हमारे वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग क्लास नंबर 6 जो हमारी थी वहां पर हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करवाए थे, 64 ऑब्जेक्टिव। अब हमारा ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है और क्लास नंबर हमारी शायद ये 10वीं क्लास हमारी होने वाली है। तो ऐसे में हम लोग स्टार्ट करेंगे 65 वाले ऑब्जेक्टिव से, जो कि हमारे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्लास में स्टूडेंट आ चुके हैं। ठीक है, 44 के अराउंड हमारे पास स्टूडेंट है, यहाँ पर काफ़ी है इतने। बाकी जिन लोगों के माइक ऑन है कृपया करके ऑफ करें माइक को। एक बार आप लोग बता दीजिए स्क्रीन आपको दिख रही है। आंसर दिख रही है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो वेव ऑप्टिक्स तो हमने अच्छे से कर रखा है, ये वेव ऑप्टिक्स आप लोगों को अच्छे से हमने करवा रखा है, तो वेव ऑप्टिक्स में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन, एक बार वो बता दीजिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है और साथ में आपको आवाज़ आ रही है हमारी। ये आंसर क्लियर आ रही है। क्लियर ओके, तो वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। ये 2 नंबर के लिए हमारे पास क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के भी आ सकते हैं, तो सभी के हिसाब से हमें देखना है। तो विच फिनोमिना डज नॉट शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट, ऐसा कौन सा इसमें से फिनोमिना है जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को शो नहीं करता है। डज नॉट शो वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब वेव, हमारे पास 2 नेचर होते हैं, एक चैप्टर होता है ना हमारे पास ड्यूअल नेचर वाला जो चैप्टर है, उसमें हमारे पास 2 फिनोमिना होते हैं, मतलब कि 2 प्रकार से ये जो हमारी लाइट है वो 2 प्रकार के नेचर शो कर सकती है। एक पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और एक हमारे पास होता है वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वेव नेचर को शो नहीं करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो वेव नेचर को शो नहीं करता, इसका मतलब है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये जो तीनों हैं ये किसको शो करते हैं, ये वेव नेचर को शो करते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को शो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप सभी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, उसमें आपको वो समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास 66 वाला, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, पहले तो ये बताओ पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास वेवलेट, ये हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लासेस आप लोग देखिए, अगर आप लोग स्टार्टिंग से हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो सबको अब तक पता चल गया होगा कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, वेवलेट क्या होते हैं। अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपके लिए हिंट है। देखिए, हमारे पास इस प्रकार के सर्कुलर फॉर्म हमारे पास है, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट जो होता है, ये छोटे छोटे इस प्रकार के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट हमारे पास जो है, इन पॉइंट से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है हमारे पास, वेव फ्रंट बनता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है ये हमारे वेवलेट कहलाएंगे और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा। बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। तो बताइए, समझ में आया वेवलेट और वेव फ्रंट क्या होते हैं। यस सर, आ गया। बहुत सिंपल सी बात है ये। तो अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास है 67 वाला क्वेश्चन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक्स प्लेस, फिर आगे लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट। सर हाँ बोलिए। सर एक बार आप से वेबलेट बना दो सर, वेबलेट। वेवलेट एंड वेव फ्रंट, देखिए यस सर। इस प्रकार से हम लोग जो सर्कल बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। अब वेव जो लेट होता है, वेव लेट जो होता है वो क्या होता है, इसी वेव फ्रंट के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इससे भी छोटे बन सकते हैं, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं वेव लेट, और ये छोटे छोटे पॉइंट के से आप जो बनाते हो पूरा सर्कल, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। इतना सा आप लोग समझ लो, आई बात समझ में, ओके सर, आ गई। बस इतनी सी बात है। इसके बाद हमारे पास आता है 67 वाला क्वेश्चन, जो बोलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है और सुपर पोजिशन ऑफ लाइट का फिनोमिना कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे रखा है ना, और साथ में हमें दे रखा है इंटरफेरेंस, मतलब कि इन्होंने इंटरफेरेंस दे रखा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेस इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स रखा हुआ है। अब इस सोर्स को हमने क्या बना दिया, कोहेरेंट सोर्स बना दिया। कोहेरेंट सोर्स बनाना बहुत सिंपल है, पीछे एक सोर्स रखो, यहाँ से लाइट इस तरीके से गई, यहाँ से लाइट इस तरीके से गई, तो ये भी एक सोर्स की तरह काम करेगा, ये भी एक सोर्स की तरह काम करेगा। इसको बोल दो S1, इसको बोल दो S2, तो ये हमारे पास जो रहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज रहेंगे।
अब यहाँ से ये क्या होगा, लाइट इस तरीके से हमारे वेव फॉर्म में जाएगी, यहाँ पर जो लाइट होगी इस तरीके से वेव फॉर्म में जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल कोलाइड होंगे, इस तरीके से टकराएंगे, तो एनर्जी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो है हमारे पास, ये एनर्जी की ही बात हो रही है, किसका किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स प्लेस इन इंटरफेरेंस, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो आप बताओगे एनर्जी आएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट, तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे, तो बोलना इंटरफेरेंस। ओके, ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिए 68 वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन क्या होती है। तो आप सभी को ट्रिक से बता रखा है WFP 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 WFP, ये हमारे पास कोहेरेंट कंडीशन होती है, और यही हमारे पास इंटरफेरेंस की कंडीशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखना, इंटरफेरेंस की कंडीशन में भी आप लोग यही छाप के आ जाना। WFP, W का मतलब वेवलेंथ, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, P का मतलब फेज डिफरेंस, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस, ये हमारे पास बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन क्लास ही समझो कि ये रिवीजन क्लास ही हमारी है। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करी है, लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में, तो उन लोगों का रिवीजन चल रहा है। अगर उन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तब भी आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, यही मान के चलो, ठीक है, ये रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, WFP याद करो, ये क्या हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज ये जो हमारे पास थे ना, ये वाला इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, पीछे कोई बैठा हुआ है जहां से एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिक बता रखी है हमने कोष्टक में, ट्रिक है WFP। फिर हमारे पास आता है 69 वाला, द फिनोमिना ऑफ इन इनक्रोचमेंट ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड, और हमारे साथ बीच में दे रखा है शार्प एजेस। तो ऐसा फिनोमिना जहां पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेडोज बनती है शार्प एजेस की वजह से। हमने आपको बताया था कि मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, अब इसकी जो शार्प एजेस यहाँ पर है, ये शार्प एजेस जो यहाँ पर है और शार्प एज यहाँ पर है, जब इससे लाइट रे टकराएगी, ठीक है, अगर मान लो आप लोग इस तरीके से लाइट को फॉल करते हो तो इस तरह से जब टकराएगी, या फिर इसको आप लोग थोड़ा सा और डार्क बना लो और फिर आप लोग इस तरीके से बता दो कि यहाँ से मान लो लाइट आ रही है और फिर इससे टकराएगी, तो क्या होगा, लाइट हमारे पास यहाँ पर आपको एक ज्योमेट्रिकल शेडो में इसकी इमेज दिखेगी, तो और वहाँ पर जो इमेजेस होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर हमारे पास फ्रिंजेस होगी, वो फ्रिंजेस कैसी होगी, फ्रिंजेस ऐसी होगी, कभी कहाँ पर लाइट ज़्यादा है, कहीं पर कम लाइट है, इस तरीके से बनेगी हमारे पास फ्रिंजेस, ठीक है, बता रखा है आप लोगों को इस तरीके से, बीच में लाइट ज़्यादा, फिर इधर से कम, इस तरीके से होती जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर शार्प एजेस की बात आ जाती है, ज्योमेट्रिकल शेडो की बात आ जाती है, तो हम लोग वहाँ पर डिफ्रेक्शन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एच आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन। शार्प एजेस, इसका हमने आपको वीडियो भी दिखाया था शार्प एजेस वाला, कि किस तरीके से ये होता है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफ्रेक्शन में क्या होती है, शार्प एजेस होती है, इसकी वजह से जो ज्योमेट्रिकल शेडो हमारे पास बनती है। अगर फ्रिंजेस के बारे में पूछ ले तो भी बता देना आप लोग, कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस होती है उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, ये चीज़ आपको बताई थी हमने। इसके बाद हमारे पास आता है फिर हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल इन शॉर्ट, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है ये हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक नया वेव फ्रंट बना सकता है, एक नया वेव फ्रंट ये बना सकता है, ये बताया था ना आपको, यही तो चीज़ है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट हमारे पास है ये फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे और इनसे हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल सकता है। तो दो लाइन में या फिर एक लाइन में आप लोग क्या समझ सकते हो, ये चीज़ समझ सकते हो, बस इतनी सी बात है, यही होता है हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल। फिर इसका हमने डायग्राम बनाया था और यही चीज़ को बार बार दो तीन फॉर्म में हमने लिखा था, याद है आप सभी को, हाइजेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई, 70 वाला हमारा क्वेश्चन हुआ फिनिश। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 7, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर। तो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये आपको होमवर्क पे हमने दी थी, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर दें, कम समय में हम लोग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक दो स्टूडेंट बता दीजिए कि आप सभी को आवाज आ रही है, साथ में आपको वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। ओके, ठीक है, समझ गए। तो यूनिट नंबर 7 है हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो बीच बीच में चीजें हम आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमारा माइक ऑफ हो और आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। हमारे साथ स्टार्टिंग में पिछले साल ऐसा हुआ था एक दो क्लासेस में, कि हमने पूरा माइक ऑफ कर लिया और
पता चला कि क्लास पूरी खत्म हो गई, बच्चों को आवाज नहीं आई पूरी क्लास में, तो तब से हमने कान पकड़ लिए कि आज से तो मतलब कि एक टॉपिक फिनिश हुआ, उसके बाद स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे कि क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ हुआ, आपको आवाज वगैरह आई नहीं आई, तो ये चीज है, इसलिए हम पूछते रहते हैं आपसे। तो यूनिट नंबर 7 है हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहाँ का जो वेटेज अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 आने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पूरा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आगे स्टार्टिंग में नेगेटिव आएगा। प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो लिखो ना लिखो, ये होता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। आपसे कभी कभी डिस्कवरी सिर्फ एक की पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन की, इसके अलावा आपसे डिस्कवरी नहीं पूछी जाती है कि किसने डिस्कवर किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए तो बोलते ना जे.जे. थॉमसन, ठीक है, ये रहेगा, इसके अलावा किसी से नहीं पूछी जाती आपसे। इसके बाद 70 हो गया हमारे पास, 71 हो गया, 72 पे मूव करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ओके 72 पे मूव करेंगे, 72 वाला देखेंगे, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड। मान लीजिए आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस एक मेटल है आपके पास, यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ऐसा जब होता है तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब जिन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रखा है वो लोग यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस से इमिट होता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंडीशन होती है जो कि क्या होती है, देयर रिक्वायर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, क्या रिक्वायर्ड होती है वहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एक काम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको समझा देते हैं ताकि अपना जो 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है वो भी अपना कवर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे, अपनी कॉपी वगैरह जो है आपने ले रखी है, अगर वहां पर कुछ रिविजन करना तो रिविजन कर लो। मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में वो स्क्रीन लगा देता हूँ जहां पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की पीडीएफ बनाई है, तो वो आपके सामने ओपन कर देते हैं, काफी सिंपल चैप्टर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग वहां पर देखिए, बाकी यहां पर हम लगाते हैं आप लोगों के लिए। ओके तो ये रहेगा, बाकी एक बार देख लेते हैं आप लोगों को स्क्रीन किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, ड्यूअल नेचर दिख रहा है, यस सर, हाँ, तो देखिए यहाँ पे आ यस जाइए। सर, देखिए होता क्या है, हमारे पास अपने सूरज चाचू हैं इस तरीके से, यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी, ठीक है, तो और आपने क्या लगा रखा है, एक मेटेलिक सरफेस लगा रखी है यहाँ पर, क्या लगा रखी है अपन ने, मेटेलिक सरफेस लगा रखी है, तो मेटलिक सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, तो अगर हमारे पास यहाँ से रेज आएगी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बंडल ऑफ पैकेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोटोन आएंगे, फोटोन एक चीज होती है, फोटोन क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास जो एनर्जी आती है ना, एनर्जी किसके फॉर्म में आती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रे आ रही है हमारे पास, ये पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, ये हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसने हमें क्या बताया था, पार्टिकल नेचर बताया था, ध्यान रखिएगा पार्टिकल नेचर, लाइट हमारे पास पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में नहीं आ रही है, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया पीछे, ये क्या चल रहा है हमारे पास, ड्यूअल नेचर चल रहा है, तो ड्यूअल नेचर में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आया था, ड्यूअल नेचर में स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात हुई थी, जो कि क्या बताता है हमें, रे का पार्टिकल नेचर हमें बताता है, लाइट का पार्टिकल नेचर हमें बताता है। तो अब आप लोग खुद सोचिए यार, ये जो लाइट है ये किसके ऊपर हिट करेगी या फिर इमिट होगी, इसके ऊपर, किसके ऊपर ये हिट करेगी, इसके ऊपर हिट करेगी, तो जैसे इसके ऊपर हिट करेगी तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागने लगेंगे, लेकिन ये कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पर जो हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट की कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, लाइट की क्या होती है, कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, अगर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की लाइट आएगी, ये फ्रिक्वेंसी मान लीजिए आप लोग फ्रिक्वेंसी एफ, इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की अगर लाइट आएगी, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी, लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी अगर इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो हिलेंगे भी नहीं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज्यादा, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है, उस समय ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से इमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी तो हमें चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि वहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
और ये जो पूरा फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये चीज है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इज अ फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन इट, देयर रिक्वायर्स अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बस तो आप लोग समझ जाइए दोनों में अंतर है। यहां पर अगर बात ना करें वो किसकी, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात ना करें तो इलेक्ट्रॉन इमिशन लिखना, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात कर दे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट दोनों में से कौन सा है? तो 73 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक और बात, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दी है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसने डिस्कवर किया है? ये इसने डिस्कवर किया है, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया है। ओके, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा करेक्शन देख लेना, हमने शायद गलती से इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है आप लोग समझ गए, समझदार हैं आप लोग। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज मैटर वेव। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। हाँ सर, इसी में ही डाउट है। ये हर्ट्ज कहीं पे लिखा है, कहीं पे आइंस्टीन लिखा है, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े देखो थे अपने इससे। पास जो है, अपन ने जो सर्च किया है उसमें यही मिला है कि हर्ट्ज ने इसकी डिस्कवरी करी है, तो हम लोग हर्ट्ज को लेकर चलेंगे। पर सर नोबल तो आइंस्टाइन को मिला था। एक बार एक काम करेंगे, एक बार और देख लेंगे हर्ट्ज और ये जो चल रहा है हमारा आइंस्टीन का, ऐसी सेम सेम कंफ्यूजन वहां पे होती है हमें, क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पर एक मैक्सवेल भी दे रखा है, सर एक जगह हर्ट्ज दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज मैक्सवेल बता रहे हैं, यस कुछ सर, हर्ट्ज बता रहे हैं, तो लेकिन उसका जो और कहीं एक्चुअल फंडा है ऑस्टर्ड, उसमें हर्ट्ज ही आएगा, हमने देखा है वहां पर। सर हाँ बोलिए। ऑस्टर्ड भी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी सर हर्ट्ज ने वेरीफाई किया था सर, दोनों जगह हर्ट्ज कैसे आ सकते। हाँ, तो हो सकता है दो चीज, बाकी एक काम करो अभी इसको थोड़ा सा रहने दो, इसको थोड़ा सा और देख के हम बता देंगे, क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था, हर्ट्ज ने किया था, क्या किया था, उसको और देख के बता देंगे आप। हाँ बोलिए। सर इसमें दे रखा है कि आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन दे रखा है मैथमेटिकल हाँ तो हम भी यही बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन। आइंस्टीन का इतना कोई कंफर्म नहीं है, आइंस्टीन का भी इसमें योगदान था। देखो हुआ था क्या, उस समय जब ये चीजें चल रही थी तो एक साइंटिस्ट ने मिलकर ये चीजें के ऊपर काम नहीं किया था, ये पूरी कहानी चल रही है पूरी की पूरी उस समय पे। इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या था, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया था, जैसे कि आपने देखा होगा अपना संविधान जैसा है, तो किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अपन लोग जानते हैं कि एक आदमी के बस की चीज नहीं थी, कुछ लोगों का और भी योगदान था वहां पर, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह का, लेकिन ये चीजें वहां पर कंफ्यूजन पैदा करती है। ठीक है चलो सर अब इसको राइट आंसर छोड़ो, कौन अभी अपना सा? टाइम कम है, आपको बता देंगे जो भी होगा, बाकी अभी आप लोग हर्ट्स पकड़ के चलो, और अगर कुछ मिलेगा हमें तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है आगे देखिए, व्हाट इज मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है? वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल आल्सो नोन एज डी ब्रोगली वेव। तो ऐसी वेव जो कि पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं मैटर वेव। सबसे सिंपल सा फंडा इसका यही है, एक पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल के साथ जो भी वेव जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड होती है, उसी को बोलते हैं मैटर वेव। ज्यादा कोई फंडा इसका है नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसको डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव भी इसी को आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो मैटर वेव क्या होती है? जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। 75 वाला देखेंगे आप लोग, एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन इन शॉर्ट। ये पूरा डेरिवेशन है, तो हमने ये जो क्वेश्चन है मन से डिजाइन किया है, तो आप लोग इसको 2 नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो, लेकिन आपको ये डेरिवेशन करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है। लेकिन हम लोग एक आप बता बोल सकते हो कि ओवरव्यू आपको दे देंगे कि क्या चीज चली थी। डी ब्रोगली ने क्या किया, प्लैंक की जो थ्योरी थी, प्लैंक थ्योरी और आइंस्टीन की थ्योरी दोनों को इक्वेट कर दिया था, इक्वल कर दिया था। ठीक है, जैसे कि प्लैंक की थ्योरी क्या थी, इज इक्वल्स टू एच म्यू, और हमारे पास आइंस्टीन की थ्योरी थी इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, तो दोनों को इन्होंने इक्वल किया, तो हमारे पास क्या आया, इस प्रकार की इक्वेशन बनी। अब आप लोग आगे जब सॉल्व करोगे इसे, तो आपको लास्ट में ये वाला एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक का कॉन्स्टेंट है। तो ये एक डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में हमने सारी चीज बता दी कि कम से कम अगर कुछ आपको नहीं आए तो आप लोग इस तरीके से कराना एग्जाम में। ठीक है ये रहेगा, बाकी ये डेरिवेशन है आप लोग करके देख लीजिएगा, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आप चाहो तो अगर यहीं से कर सकते हो, इसी को सॉल्व करके कर लो, हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो बता देते हैं आपको। पोटेंशियल नीड टू स्टॉप मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर आपको रोकना है, अगर आपको इसको रोकना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रोक दे, मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दे, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल सकती है अलग अलग, लेकिन सबसे सिंपल डेफिनेशन हमें तो ये लगती है, और हम इसी से बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप लोग जाओगे इंटरनेट के ऊपर तो ढेरों अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दो चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे होती है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लाइट कितनी बार 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 आ रही है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार रिपीटेशन चीजों का। तो बार बार जो चीज आ रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम ही है रोकने का। आ रहा है बात समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रोकना का। अगर वो इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा तभी हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल क्या बना है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल बना है। अगर मान लो वो रोक ही नहीं पा रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ इस चीज का? तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ी कहलाएगा। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद हमारे पास 77 वाला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू उस तरीके से लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो अलग से। इसके बाद हमारे पास आता है कि फोटोन क्या होता है। फोटोन से रिलेटेड दो दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए फोटोन क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी। हमारे पास जब सूर्य से प्रकाश आता है, अगर हम लोग उसको पार्टिकल के फॉर्म में मान के चले, तो वो क्या होता है, एक बंडल के फॉर्म में आता है, एक बंडल बन जाता है। उसमें क्या भरा हुआ होता है, एनर्जी भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, एनर्जी भरी हुई होती है। जैसे ही वो एनर्जी किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो वहां पर ग्लो होने लगती है वो। तो ग्लो क्यों होती है, क्योंकि ये जो बंडल है हमारा वो फट जाता है। ऐसा किसने बोला, ऐसा आइंस्टीन ने बोला था हमें। आई बात समझ में? बंडल ऑफ एनर्जी यही है। एक बार और सुन लो क्या हुआ फिर से। सूरज से जो रोशनी हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है। इसी को हम लोग फोटोन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्वांटा भी बोला जाता है। तो बंडल ऑफ एनर्जी फोटोन, ये चीज वही है, एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी का जो बंडल बनता है वो आता है। जैसे ही मान लो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लो स्ट्राइक हुआ, तो वहां पर वो ग्लो होने लगता है थोड़ी देर के लिए, छोटा सा ग्लो होता है वहां पर। आप लोग खुद सोचो, हर जगह पे हमें जो चीजें दिखती है ब्राइट दिखती है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो बंडल है वो यहाँ पर फटा होगा। यही चीज तो हम लोग समझते हैं। तो हमारे जो आइंस्टीन थे उन्होंने इस तरीके से बता दिया। इसके बाद एक और जो चीज है जो कि आपको याद ही रखनी पड़ेगी, वो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, 1.76 × 10⁻¹ जूल पर केजी। ये आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 80 वाला, जो कि है एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी रिलेशन। एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी रिलेशन, पहली बात आप लोग समझ लो, फ्रिक्वेंसी को हम लोग दो प्रकार से डिनोट करते हैं और दोनों की दोनों सही है। आप लोग फ्रिक्वेंसी को एफ बना सकते हो या फिर म्यू बना सकते हो, ठीक है, ये दोनों फॉर्म सही है बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर में, तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को इस प्रकार से बनाते हैं, म्यू के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से इनका रिलेशन निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने क्या किया, म्यू की वैल्यू चेंज कर दी, सी बाई लेमडा कर दिया, तो ये भी सही है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास 81 वाला, उसको देखिए आप लोग। ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी आपको बताएगी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से मेटल में से हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इमिट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटलिक सर्फेस। तो सेम चीज दोनों में आपको दिख रही होगी, अंतर क्या है, यहां पर एनर्जी आएगा मिनिमम। अच्छा यहाँ लिखा हुआ ना एनर्जी, ये लिखा है यहाँ पर, ये एनर्जी है, ये फ्रिक्वेंसी है, दोनों का मतलब एक तरीके से सिमिलर ही है लेकिन समान नहीं है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, यहां पर एनर्जी है और यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। दोनों में अंतर समझो आप लोग फिर से एक बार और। यहां पर अगर आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे तो कहानी वही लिखनी है कि हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वर्क फंक्शन की बात करें तो बोलना हमारे पास कुछ एनर्जी आएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इतनी सी बात है। तो 82 हमने ऑब्जेक्टिव फिनिश कर लिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई की, जो कि हमारे पास है। यहां से आप लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अनुसार जो हमारे एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ये क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है ये, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेशनरी है, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताई, स्टेशनरी बोला इन्होंने, स्टेशनरी है, चलते रहेंगे इस तरीके से,
आप लोग यहाँ पर रिवॉल्व लिख, स्टेशनरी रिवॉल्यूशन ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आपको गलती से भी यह नहीं लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट की बात इन्होंने नहीं करी, रदरफोर्ड ने फिक्स्ड ऑर्बिट की बात नहीं करी, हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उलझ गए और यही इसका क्या बना था, ड्रॉबैक बना था। ये चीज आपको बताई थी हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है दो क्वेश्चन जो कि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। एक होता है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए साइज ऑफ एटम जो हमारे पास होता है 10^10 होता है, -10 होता है, यहाँ पर 10^-15 होता है। ओके ये होता है यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट इसको 10^10 कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। ये जो साइज है ना एटम, एटम बहुत छोटा होता है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ओके ये छोटी चीजें हैं, 10^-10। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, माइनस लगाना भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या, इतना बड़ा साइज है एटम का, तो इसलिए ये नेगेटिव लगाया करो। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है क्योंकि यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -15 है। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना वो छोटा होता जाएगा नेगेटिव में, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग वहां पर जाओ ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओ कि यहाँ पर 15 था तो ये तो इसका होना चाहिए एटम का, तो ये नेगेटिव में, ये मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन समझानी जरूरी है, गलती हर किसी से हो जाती है ये। तो 10^15 आप लोग याद कर लो, 10 किसका एटम का, 15 किसका न्यूक्लियस का, 10^-15 हमारे किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का हो जाएगा। तो आ रहा है समझ में, बताइए। यस सर आ रहा है। ओके तो आगे बढ़ते सर आ रहा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है जो कि 2019-20 में आया था, एटम इज फिल इन द ब्लैंक्स, और ऑप्शन आपके पास दिए थे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और एक था अनचार्ज। तो यहाँ पर एटम जो होता है हमारे पास अनचार्ज होता है, तो इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं, सबको समझ में आता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो तो अनचार्ज है। ओके हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो आप पॉजिटिव लिखना, इलेक्ट्रॉन के पूछे तो नेगेटिव लिखना, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द टोटल एनर्जी वाज नेगेटिव। ये चीज बड़ी बात है, ये चीज हमने नहीं बताई थी, लेकिन ये हमने सोचा था कि जब आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब बता देंगे, क्योंकि इसका एक डेरिवेशन भी होता है जो कि पहले 4 से 5 नंबर में आया करता था, लेकिन अब वो डेरिवेशन नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो आप लोग इसको याद रखना, एक हमारे पास जो एटम होता है ना, एटम जो होता है उसकी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आती है हमारे पास। कैसी आती है, नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं, तो आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि एटम की जो एनर्जी आती है टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, ऐसा क्यों। तो आप लोग लिखना कि इसी की वजह से हमारा जो एटम है वो स्टेबल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और हमारी जो एनर्जी आ रही है टोटल वो भी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंडेड है, अच्छे से बाउंडेड हो रखे हैं अंदर। ओके ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, डोमिनेंस किसका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डोमिनेंस चल रहा है, तभी तो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आपने देखा है कि हर जगह पर, जैसे केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, केमिस्ट्री में हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है ना कि प्रोटॉन की बात होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहा है, अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो दबदबा किसका है एटम के अंदर, एटम के अंदर दबदबा इलेक्ट्रॉन का है, एटम के अंदर दबदबा इलेक्ट्रॉन का है, ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है। उनको तो उन्होंने क्या कर दिया है, एक सेंटर के अंदर छोटी सी जगह में बंद कर दिया है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है। तो आप लोग बोल सकते हो टोटल एनर्जी कैसी आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आ सकती है ऑब्जेक्टिव में या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकती है। फिर आएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो ये भी आपको याद ही रखनी पड़ती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है NH/2π, NH/2π, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, NH/2π, NH/2π हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। आंतरिक तौर पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरीके से रिवॉल्व करेगा, क्या उसका मोमेंटम रहेगा, ये कौन बताता है हमें, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं NH/2π। इसके अलावा इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ कंडीशन भी बोल सकते हैं, तो अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ कंडीशन पूछ ले तो ये फॉर्मूला लिख देना, MVR=NH/2π, ठीक है। तो एम हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास मोमेंटम बन गया अपना, और आर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा किसके, NH/2π के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, इनके डेरिवेशन भी होते हैं बड़े बड़े, लेकिन 2 नंबर में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे। देखो काफ़ी सारी चीज़ हमने कर ली है, अब हम लोग आ चुके हैं 89 वाले हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो मैक्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन जो एटम है हमारे पास है उसमें हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 13.6 MeV हमारे पास एनर्जी हो सकती है, 13.6 हमारे पास ये क्या हो सकती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है हाइड्रोजन एटम की। अब हमें ये बताएंगे कोई, चलो प्रांजल आप बताना कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है।
सर आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दी जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। एक हमारे पास एटम है, एटम से हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए तो उसको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एटम को एनर्जी देते हैं तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले भाई तूने मेरे को एनर्जी दी है, ये ले इलेक्ट्रॉन तू ले जा। तो ये चीज होती है। ओके केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में होती है ना आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, केमिस्ट्री में भी होती है, फिजिक्स में भी होती है, तो बहुत बेसिक चीज है। हाँ तो सर आगे बात वैलेंस करते हैं। शील्ड से निकालते हैं ना। हाँ वो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं टॉपिक को। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 90 वाला, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट। अब जो नील बोहर थे इनके नाम पे ही फर्स्ट जो रेडियस होती है ना, हमारे फर्स्ट जो रेडियस होती है एटम की, जैसे यहां से हम लोग यहां तक मेजर करते हैं, तो द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस यहां से यहां तक निकलेगी फर्स्ट ऑर्बिट की, उसी को नाम दे दिया इन्होंने बोहर्स रेडियस। तो बोहर्स रेडियस कुछ नहीं है, बस नाम दे दिया है, फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्बिट है हमारी, वहां से जो हम लोग रेडियस मेजर करते हैं यहाँ से सेंटर से, तो उसको नाम दे दिया इन्होंने कि ये हमारे पास क्या है, बोहर्स रेडियस है। तो ये भी आप लोग याद करके चलना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा याद। तो बोहर्स रेडियस क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट से जो रेडियस हम लोग मेजर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बोहर्स रेडियस। ओके, यहाँ पर सारी बातें हाइड्रोजन एटम के लिए होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट बनता है, तो वहीं की सारी बातें। एक और चीज जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम हमारे पास होता है हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का न्यूक्लियस हमारे पास अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अल्फा पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोल सकते हो, हीलियम का न्यूक्लियस बोल सकते हो। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 92, ये हमारे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम बताओ। तो यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो नाम लिखने को बोल सकते हैं, एक हमसे बोल सकते हैं कि विजिबल रीजन किसमें आता है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है हमारे पास वो क्या है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रेकेट पीफंड, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रेकेट पीफंड। ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रेकेट पीफंड, और विजिबल रीजन हमें कहाँ दिखता है, सिर्फ और सिर्फ बाल्मर के अंदर। और अगर आप इसके बारे में बात करो तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बता ही देते हैं, वैसे तो बता रखा है हमने, ऐसे नहीं बताते हैं, इस तरीके से बता देते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये मान लो एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू थ्री, एन इक्वल्स टू फोर, इस तरीके से इनफिनाइट तक जा सकते हैं। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है हमारे पास नंबर वन है। तो नंबर वन जो होगी उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या होगा हमारे पास एन इक्वल्स टू टू, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसी तरीके से आप लोग आगे भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर इसको उतार दो तो ये हमारे पास एन इक्वल्स टू थ्री, इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। ओके, तो ये चीज रहेगी, तो ये चीज आपको पहले ही बता रखी है और एक बार और आपको क्लियर करवा दी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमने पिछली क्लास में, पिछली से पिछली क्लास में बात करी है और आप सभी को समझाया था भी सही कि किस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो, तो ये चीजें रहेगी। तो आ गया समझ में, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 93, उसको आप लोग पढ़ेंगे। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर कितनी एनर्जी हो सकती है, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा। 9 × 10³ जूल, ये इसकी एनर्जी होती है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, 1 ग्राम की अगर हम लोग बात करें तो उसकी एनर्जी इतनी हो सकती है, 9 × 10³ एनर्जी जूल इसकी एनर्जी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 94, जो क्या बोलता है, इन अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन बाय यूजिंग मॉडरेटर, दिस न्यूट्रॉन कॉल्ड, इन न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस चीज को, थोड़ा सा पढ़िए, इन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन, हमारे पास कोई न्यूट्रॉन होगा वो फास्टली मूव कर रहा होगा और कोई आएगा और उसको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा, स्टॉप तो नहीं कर पाएगा, हम लोग बोल सकते हैं स्लो डाउन कर देगा बाय यूजिंग मॉडरेटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। तो ये आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा, सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बताओ कौन स्लो डाउन करता है, तो बोलोगे मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस समय जो न्यूट्रॉन होगा, ये जो हमारा न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को आप लोग क्या बोलोगे, तो इसके पास एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं थर्मल, तो इसके बाद हम लोग इसको बोल सकते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, क्या बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन इसको बोलेंगे जब ये मूव कर रहा होगा हाई स्पीड से, और इसको मूव इसको रोकने के लिए हमारे पास मॉडरेटर यूज करेंगे, तो ऐसे में इस जो न्यूट्रॉन है हमारे पास को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। एक और बात,
अब आपको बताते हैं यहां पर इसका मतलब क्या है, इन अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इसका मतलब क्या है। हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिजन, फिजन। चलो मुझे ये बताओ फ्री माइंड, आप बताइए फिजन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या होता है। सर क्या सर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो ये क्या चीज हो गई, फिजन पूछा है सर, आपसे, फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन, मैं बताऊं न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था ना सर कल क्या हमने, पूछा है सर, फ्यूजन में न्यूक्लियस सर अलग होते हैं सर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर सर फिजन। मैं बताऊं सर मैं बताऊं सर, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं सर इसमें सर, कैसे ब्रेक डिवाइड डाउन होते हैं। ऑफ न्यूक्लियस चलो और कोई सर, बताओ, ब्रेक आदित्य डाउन आप सर बता दो, आदित्य को मैं बताइए। बताऊं सर, आ हैवी न्यूक्लियस ब्रेकअप टू फॉर्म टू लाइटर न्यूक्लियाई और कोई बताना चाहेगा, सर, आदित्य मैं आप बता दो, बताऊं ठीक है क्या आप सर, बताओ। एक न्यूक्लियस होता है जो जब वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाने के लिए, उसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, और फ्यूजन यानी दो न्यूक्लियस का जुड़ना और एक नया न्यूक्लियस बनाना। अच्छा अभी आप ये बताओ, आदित्य ने सवाल जो जिसका जवाब दिया उसी का एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन एटम किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर कि न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन 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 सर, फ्यूजन। और हमारा जो सूरज है, सूरज किसके ऊपर बेस्ड है, सूरज के ऊपर न्यूक्लियर कौन सा फ्यूजन बेस्ड फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एटम बम किसके न्यूक्लियर ऊपर फ्यूजन बेस्ड है, फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन 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 का पे मतलब होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक बड़ा सा हेवी न्यूक्लियस होगा जो कि लाइट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में टूटता रहेगा। तो अब ये जो टूटता रहता है ना, ये टूटता है दो में, फिर यहाँ से ये जो है ये फिर अगले दो में टूटेगा इस तरीके से, फिर ये जो होगा ये आगे टूटेगा इस तरीके से, कहानी चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं, अब ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो हम सर इसको, ये सैंडविच जो के ऊपर चेन है, भेज दें सुनिए सुनिए 2 मिनट सुनिए, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, अब ये जो चेन चल रही है ये चेन दो प्रकार की हो सकती है, या तो हम इस चेन को आगे जाके कंट्रोल कर लें या फिर अनकंट्रोल हो जाए हमारे लिए। तो एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ओके कंट्रोल मतलब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, और एक अनकंट्रोल्ड है जो कि तबाही मचा देगी बस, जैसे हमारे एटम बम वगैरह होते हैं। ओके जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए उसके बाद, तब तक तो तबाही मचा देते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे क्या बोलते हैं, एटम न्यूक्लियर, न्यूक्लियर होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं, वो तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और भी हमारे जो गैलेक्सी है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तारामंडल में आपको स्टार देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको ऐसी हेवनली बॉडीज मिल जाएगी जो कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के ऊपर है। आप लोग सुनते होंगे कि हमारी धरती इस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन ऐसा हो जाएगा, तो ये सब यही चीज़ तो है, इसकी तो एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड, कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो ये रहेगी, चलो बात बाद में करेंगे, अब इस टॉपिक को अब यहीं पर फिनिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं सर, थर्मल न्यूट्रॉन। हाँ बोलिए फटाफट। सर न्यूक्लियर फ्यूजन में आएगा ना न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर सर? फ्यूजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर हाँ ओके फ्यूजन होता है इसके अंदर, फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन होता है। चलो तो ये चीज हमें समझ में आई, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ेंगे, 95 वाला, क्या लिखा है वहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर द हैवी वाटर इज यूज्ड एज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हमारे पास हैवी वाटर होता है, वाटर हमारे पास एक तो सॉफ्ट वाटर होता है, एक हैवी वाटर होता है। तो हैवी वाटर किसकी तरह काम करता है, मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर आपको बताया क्या काम करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है, एक मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो पानी होता है, पानी तो किसी भी चीज़ को रोकने का काम करता है। अरे कुछ चीज़ आ रही है हमारे पास, थर्मल चीज़ है, इलेक्ट्रिक, उसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी तो लाते हैं। तो मॉडरेटर की तरह काम करेगा हैवी वाटर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। फिर ये हमारे पास है मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट भी वैसे बता रखा है आप सभी को, क्या होता है मास डिफेक्ट, कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड मास होता है, कैलकुलेटेड मास ऑफ एटम, ये जो होता है ये ज़्यादा होता है, और जो एक्चुअल मास आता है हमारे पास वो हमारे पास कम होता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसी को आप लोग लिख दीजिए। अभी जो कैलकुलेटेड मास होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटोन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनको जोड़ दीजिए, इसमें से माइनस किसको कर दोगे, तो एक्चुअल जो मास है हमारे पास उसको माइनस कर दोगे, तो मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से क्या माइनस कर दो, एक्चुअल मास को माइनस कर दो। तो बस ये बात है। आगे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये तो आपको बता रखा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं करी है, जो कि सीखना चाहते हैं क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, तो एक एक दो दो लाइन में हमने यहाँ पर बता रखा है, बाकी इसका डिफरेंस है अच्छा वाला वो करवा रखा है हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 97, ठीक है, ये देख लीजिए आप, एटम बम लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन बम लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो पूछ रहे थे ना अभी, कि हाइड्रोजन बम जो सन हमारा होता है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है।
के फिजन कहाँ पे होता है एटम बम के। एक और क्वेश्चन आता है 98 वाला, वो देखेंगे आप लोग। रेडियस रिलेटेड टू मास नंबर, रेडियस जो होती है हमारे पास एटम की, जो रेडियस होती है एटम की, जो रेडियस होगी वो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, आर इक्वल्स टू आर नोट ए टू दी पावर 1/3। ए हमारे पास एटॉमिक मास होता है तो उसकी पावर 1/3 लगाओ, इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन निकलता है। ओके तो ये भी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो, आर इक्वल्स टू, अगर मेज द कॉलम में आए या फिर वन वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, या फिर एमसीक्यू में आए तो आप लोग आराम से टिक लगा सकते हो, आर इक्वल्स टू आर आर नोट। आर नोट हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, आर नोट हमारे पास कॉन्स्टेंट है और ए हमारे पास एटोमिक मास है, तो एटोमिक मास की पावर 1/3 कर दो तो आपके पास आ जाएगा। होता क्या है ना, इससे पहले की एक कहानी होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब में, क्यूबिक फॉर्म होती है इसकी, हम लोग लिखते हैं ना सेंटीमीटर क्यूब, तो वहां से इसकी कहानी चालू होती है। तो अब वो समझाने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो अब आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लो तो काम हो जाएगा आपका। फिर 99 वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए, वैसे काफ़ी सिंपल चीज़ है, अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से। तो ए हमारे पास एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स जो हमारे पास है ये कोई सा भी हमारे पास अपना एलिमेंट हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस कोई भी हो सकता है। फिर आता है हमारे पास लास्ट चैप्टर जो कि हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। यहाँ से तीन ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। अब आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बतानी रहेगी जो कि चार नंबर के लिए इंपॉर्टेंट जाएगी, क्योंकि यहाँ से चार नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा ले रखे हैं आप लोगों के लिए, 101 102 में। उसके बाद अच्छा दो बार हमने इसको रिपीट कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो दो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लेवल के ले रखें, और ये 100 वाला क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि तीन, जो कि चार नंबर में आ सकता है। चार नंबर में 102 103 ये जो वाला है ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको करवा देंगे, बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सप्लेन वैलेंस कंडक्शन और फॉरबिडन बैंड। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो अभी आप लोग समझ आओगे धीरे धीरे करके, लेकिन पहले इनकी चीज़ें समझ लो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तो फोड़ दोगे ऐसे ही। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के काम कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड वगैरह बनाने में काम आ सकते हैं, अरे बॉन्ड बनाते हैं ना ये लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन गई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शेयर होता है, यहाँ पर क्या करता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो दो काम कर सकते हैं, तो बस कहानी खत्म। वैलेंस बैंड, वैलेंस जो बैंड होती है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा जूम कर सकते हो आप लोग, वैलेंस बैंड में क्या आएंगे, कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वो वाले आएंगे जो कि बॉन्डिंग वगैरह में काम आएंगे, और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, जैसे नाम से क्लियर है कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैंड टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ करंट, तो करंट जो कंडक्ट करेंगे वो किस में आएंगे हमारे पास, कंडक्शन बैंड के अंदर आएंगे। अब बचती है फॉरबिडन बैंड, ये क्या होती है, तो इन दोनों के बीच का गेप, एक तो ये बैंड हो गई हमारे पास, एक ये बैंड हो गई, अब इसके बीच का जो गैप दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। तो अब आपका प्रश्न ये आ सकता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, अगर ये कम्प्लीटली एम्प्टी है तो इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो बैंड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर जाते हैं, तो कुछ एनर्जी, इतने अमाउंट की एनर्जी इन्हें गेन करनी पड़ेगी तब जाके ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। अब आपको एक बात बताते हैं, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये किसका है, सेमीकंडक्टर का है। अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर क्या होते हैं, अच्छे गुड, आप लोग बोल सकते हो अच्छे क्या होते हैं, वो लोग गुड गुड कंडक्टर होते हैं, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। तो उनका अगर आप लोग डायग्राम बनाने जाओगे तो वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे आप लोग क्या बनाओगे, ऊपर ऊपर बनाओगे अपनी वैलेंस बैंड और नीचे बनाओगे कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, नीचे हमारे, अच्छा ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड बनेगी, कंडक्शन बैंड बनेगी, नीचे हमारे पास बनेगी वैलेंस बैंड, और बीच में जो गैप रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा फॉरबिडन। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, वहां से हमें आसानी से उन्होंने क्या दे दिए थे, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे, तो उनके बीच में जो गैप होता है बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि फॉरबिडन बैंड तो वहां पर भी प्रेजेंट होती है, भले छोटी सी होती, बहुत पतली सी होती है, लेकिन होती जरूर है। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अगर इसके ऊपर चार नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सब लिख सकते हो, डायग्राम इस तरीके से बना देना, ये तीन तीन लाइन की जो डेफिनेशन हमने लिख रखी है यहाँ पर, इसी को आप लोग आराम से लिख देना आधे पेज एक पेज में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, तो आप लोग लिख सकते हो किसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कंडक्शन कंडक्शन बैंड में क्या होता है, तो अब आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो कंडक्शन के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये चीज हो जाएगी। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या चीज है वो समझते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले तब भी आप लोग लिख देना, और अगर इसके बीच में डायरेक्ट डिफरेंस पूछ ले तब भी लिख देना। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे और इसी तरीके से बनेंगे। आप लोग परीक्षा बोर्ड खोल के देखना, आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे जो कि हमने टिक लगा रखे हैं, अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ ली तो। एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। देखिए जरा यहाँ पर, देखो आपको थोड़ा टाइम दे देंगे, बिल्कुल ब्रेक दे देंगे, तो अभी बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पर रखो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं आपको। आपके पास मान लीजिए ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंट्रेंसिक एक एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है, एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब बस इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो आपकी कहानी बहुत सिंपल होने वाली है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ होल, डेंसिटी ऑफ होल। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल, ये क्या चीज है इसको समझाएंगे। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नो एम्प्टी नो इम्प्योरिटी, यहाँ पर इम्प्योरिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्राइवेलेंट एक होती है पेंटावेलेंट। ये दो प्रकार की इम्प्योरिटी यहाँ पर हो सकती है। हमें पता है कि अभी आपके सारे ये जो क्वेश्चन था ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज आपको समझ में आई है, ये वाली चीज आपको समझ में आई है, बाकी ये जो नीचे की दो तीन चीज लिखी हुई है ये आपके ऊपर से जा रही होगी, लेकिन अभी आप लोग देखना 5 मिनट बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने ये यहाँ पर एक ओपन कर रखी है। देखो इस तरीके से आप लोगों को और समझ में आएगा। कंडक्शन कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, यहाँ पर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो गैप है बहुत कम है, ये देखो यहाँ पर गैप बढ़ गया है इसके बीच में, और इंसुलेटर जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तभी तो इंसुलेटर कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को, इतनी एनर्जी हम लोग क्यों खर्च करें फालतू। ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये देखिए ये होता है हमारे पास क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, एक तरीके से हमारे पास सेमी कंडक्टर है। तो आप लोग देखिए सिलिकॉन जो है हमारे पास, सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो अगर मान लो आपने क्या किया, यहां पर हमने शायद नीचे बना रखा होगा, यहां पर चलो यहीं पे बता देते हैं आपको, यहां पर। तो हमारे पास जो सिलिकॉन था यहीं पर कर देते हैं, यहां पर ही बताते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हमारे पास जो सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन का जो हमारे पास एटम है, अगर हम लोग इसको रिमूव कर दें और यहां पे हम लोग कुछ इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक हमारे पास होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट। एक हमारे पास होती है ट्राईवेलेंट ट्राईवेलेंट ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट के पास थ्री, एक बार आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर ट्राईवेलेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वैलेंस शेल में, पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात हमें समझ में आई। अब देखिए जरा, अगर इसके पास ये जो सिलिकॉन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोग यहाँ पर देखने जाओगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज है। तो अगर हम लोग इसको हटा के यहाँ पर कोई एक्स अमाउंट ऑफ एक्स नाम का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐड करते हैं तो क्या होगा, जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इसको फिल कर देगा, इसको फिल कर देगा, एक हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पेंटावेलेंट की बात करें, पेंटावेलेंट में क्या होगा, जब आप लोग इसकी जगह पर पेंटावेलेंट नाम का कोई सा भी एक एटम लेके आओगे जिसको यहाँ पर लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला भी फिल हो जाएगा, ये वाला भी फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाएगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा बच जाएगा। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, जब आप लोग ट्राईवेलेंट को ऐड करते हो, जब आप लोग ट्राईवेलेंट को ऐड करते हो तो यहाँ पर हमारे पास होल्स बन जाता है एक, लेकिन जब पेंटावेलेंट की बात करते हो तो यहाँ पर जो होल होता है, होल सारे के सारे जो 4 होल हमारे पास थे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन से भर गए, लेकिन अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक और है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास एक और है तो वो क्या करेगा, वो फ्रीली इधर घूम जाएगा, अंदर चला जाएगा, ओके, अंदर कहीं पर वो
घूम जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा इस तरीके से कुछ कि यहाँ पर एक होल हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, होल हमारे पास बच जाएगा। जैसे यहाँ पर चार थे, तो चार में से आपने कितने भर दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये क्या बन गया एक तरीके से, ये बन गया हमारे पास होल। तो आप लोग यहाँ पर एक डिफरेंस लिख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पर देखो, जब हम लोग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट की बात करते हैं, एक काम करते हैं पहले इसी को समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे डायरेक्ट तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है आपका क्लियर हो जाएगा, ये वाला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या लगभग बराबर होती है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेंसिटी जो होती है बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी बराबर नहीं होती क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दी है, इम्प्योरिटी कर दी है। इसकी वजह से क्या होगा, कहीं पर होल की संख्या ज़्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, या फिर हम लोग ट्राइवेलेंट बोल सकते हैं, ट्राइवेलेंट अगर आप लोग डालोगे इसकी वजह से होल की संख्या बढ़ जाएगी, अगर आप लोग पेंटावेलेंट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी का यहाँ पर डिफरेंस आता है, लेकिन इंट्रिंसिक जो कि प्योर होते हैं उनमें डेंसिटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आता, दोनों इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल। बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्योर जो चीज़ें होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मिलावट की जाती है। मिलावट करने से क्या होता है, चीज़ें हमको कुछ फ़ायदा होता है तभी तो हम लोग मिलावट करते हैं। आपने देखा होगा दूध वाले जो होते हैं वो दूध में मिलावट करते हैं, पानी डालते हैं, तो कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होता होगा तभी ये करते हैं। माना कि आपको नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है, लेकिन उनको तो फ़ायदा हो रहा है, इसी वजह से इसी के देखते हुए इन्होंने इम्प्योरिटी ऐड करी। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बन जाएगी, उसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे आज सुबह वाली क्लास में एक बात बोली थी हमने, ओम्स लॉ जो होता है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। और ओम्स लॉ की कंडीशन ये होती है कि फिजिकल कंडीशन रिमेंस अनचेंज्ड, ओके, तभी यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर नो इम्प्योरिटी, यहाँ पर ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो सकती है। अब इसी से आपके सामने एक डिफरेंस बन जाता है कि बताओ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर जो डोपिंग होती है, एक नाम जुड़ता है यहाँ पर डोपिंग, डोपिंग मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। अगर आप लोग इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ओके, ये होता है डोपिंग। तो अगर आप लोग यहाँ पर थर्ड नंबर वाले ग्रुप की के साथ इसकी डोपिंग कर दोगे तो इसको आप लोग बोलोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर आप लोग डोपिंग कर दोगे इसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस मतलब कि जो पेंटावेलेंट होते हैं, पेंटावेलेंट के साथ इसकी इम्प्योरिटी अगर आप लोग इसमें डोपिंग कर दोगे तो क्या कहलाएंगे हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। तो एन मतलब क्या होता है, पेंटावेलेंट, पेंटा से आप लोग याद कर सकते हो, पेंटावेलेंट में हमारे पास एन होता है। कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर पी आ रहा है तो पी तो यहाँ पे आ रहा है तो इस तरीके से कर लें, तो ऐसा नहीं है, ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पी और एन का फंडा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से लिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग नेगेटिव को एन लिख सकते हैं, यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है, एक तरीके से होल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, होल्स तो एक तरीके से खाली होते हैं ना, तो जिसके सामने कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं होता तो हम लोग उसे बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव मानते हैं मैथ्स के अंदर। जैसे 20 लिखा हुआ है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, ठीक, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो इसलिए इनका नाम दे दें कि पी टाइप एन टाइप, ओके। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पी लिखा है तो पेंटावेलेंट जो होगा पी टाइप का एग्जाम्पल होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। पी पहले आता है तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट, यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन होते हैं ज्यादा, होल्स होते हैं, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास होल्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये चार नंबर में भी बन सकता है और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव में भी अब बन सकता है, तो अब आप लोग आराम से बना कर दोगे सारे क्वेश्चन को, आगे आ जाइए। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ हमारे पास बची हुई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 वाला है कि नैंड गेट जो होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो नैंड गेट जो होता है नोट गेट एंड एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। इन्वर्टर गेट क्या होता है हमारे पास, नोट गेट हमारे पास इन्वर्टर गेट होता है, ठीक है, ये बता रखा है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नोर गेट, नोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, नोर गेट क्या होता है, और गेट और एंड गेट का, और गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन। तो पहले तो और कर दो, और मतलब पहले जोड़ दो, जोड़ने के बाद इनका नोट कर दो, नोट मतलब उसका उल्टा कर दो, ये बन गया हमारे पास। रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा एनर्जी गैप ऑफ मेटल, मेटल के बीच की जो एनर्जी गैप होती है कितनी होती है, आपको बता रखिए जीरो होती है, इसके बीच की गैप कोई नहीं होती है। आखिरी में हमारे पास आता है पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस आती है, और इसके साथ हमारे सारे ऑब्जेक्टिव फिनिश हो जाएंगे। इसको समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हाई इन विच पीएन जंक्शन बाइस।
तो आपको याद है जब हम आपको रेक्टिफायर पढ़ाया था, जब आपको पीएन जंक्शन डायोड बताया था कि कुछ इस प्रकार से बनता है, और एक चीज हमने लिखी थी कि एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइस। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइस थी, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस थी मतलब यहाँ से पॉजिटिव इस तरीके से कनेक्टेड था हमारे पास, तो जब ये पॉजिटिव होता था तो करंट यहाँ से पास हो जाता था, लेकिन जब ये रिवर्स बाइस में होता था तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाता था, ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। एक काम करते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस थोड़ा सा बता देते हैं आपको यहाँ पर एक बार और, ताकि आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइजिंग, बाइजिंग मतलब होता है कनेक्शन। ये देखिए, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप एंड एंड नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप, देन दिस कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप, ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है, पी टाइप में हमारे पास होल्स की संख्या ज्यादा होती है, एन टाइप में हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाना चाहें तो ये जो पॉजिटिव है किससे कनेक्टेड है आप लोग खुद बताइए, पॉजिटिव हमारे पास पी से कनेक्टेड है तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये फॉरवर्ड बाइस है। क्या ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड है? तो फॉरवर्ड बाइस में अगर कनेक्टेड होगा तो हम लोग बोल सकते हैं करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहीं पर बात करते हैं रिवर्स बाइस की, रिवर्स बाइस में क्या होता है? अब ये हमारे पास क्या है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इससे किससे कनेक्टेड है, ये एन टाइप से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एग्जाम्पल बनेगा रिवर्स बाइस का। तो रिवर्स मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल सही, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से उल्टा पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। रजिस्टेंस हाई किसमें होता है? रजिस्टेंस हाई मतलब क्या है? रजिस्टेंस हमारे लिए हमेशा बेकार होता है, याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे हमको दे रखा है कि हाई रेजिस्टेंस है, तो बताइए ये कौन सा बाइज्ड होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे, ये रिवर्स बाइज्ड होगा। इस तरीके से हमारे जो सारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हो गए फिनिश। तो कोई डाउट हो सर, तो बताओ, पूछो आप। सर एक बार वो समझा दो क्या? बस सर, वो डायग्राम फॉरवर्ड वाइज का। अच्छा, वो एक बार बता देते हैं। चलो काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और फिर आपको समझाते हैं।